सीबीएसई, आरबीसी या अदर कोई बोर्ड क्लास 6 to 12 का कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है साइंस मैथ्स का, तो आप ये जो नंबर दे रखे हैं उस पर आप सेंड कर दीजिए, उसका आंसर मिल जाएगा। या फिर एक डाउट नेट ऐप है, उस ऐप से भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका फ़ोटो खींचिए और इस नंबर पर भेज दीजिए। ये पेपर है भीलवाड़ा का है, जो महादेव गाडरी ने भेजा है, जो आपके लिए बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपको चेंज करना है ऑर्डिनरी नंबर में, तो ये जो लिखा हुआ है ना आपके सिंपल है, इसको नीचे देना माइनस में, इसका उत्तर आएगा आपके 157 उत्तर आएगा, 157। बिल्कुल ईजी है, पहले 10 में से घटाएंगे, बाद में आपको 9 में से घटाएंगे और फिर इसके नीचे एक यूनियन लगा देंगे और 157 आएगा इसका उत्तर। अगला वाला आया 125 की घात 1/3, बिल्कुल इसका उत्तर आएगा 5। अगला है थर्ड सम ऑफ ऑल इंटीरियर, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, 180 उत्तर आएगा इसका। एस एस रूल्स क्या होता है, कोई भी दो त्रिभुज जिसकी आपस में दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर हो, या संगत कोण, दो संगत भुजाएं और एक संगत कोण बराबर हो, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस का एस एस रूल्स। अगला साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का फॉर्मूला लिखना है, सिंपल है, पहले हमें एस निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा दो, और दूसरा हो जाएगा आपके अंडरवुड ए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। छठे क्वेश्चन में आपको सेक्सागेसिमल सिस्टम लिखना है, सिंपल है, 180/π से गुणा कर लेना, उत्तर आ जाएंगे 135 डिग्री। साथ में सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, क्योंकि दोनों डिग्री सेम है ना, दोनों को थीटा मान सकते हो, एक उत्तर आएगा इसका। निकलिम से गुणा करेंगे तो उसका उत्तर आएगा 10,914 उत्तर आएगा, गुणा भाग कर, सिंपल है। अब रेस्ट लाइज द डिनोमिनेटर है, तो उत्तर आएगा इसका अंडरूट 7 - 2/3, ये उत्तर आएगा। अगले वाले में P2 है, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 लिखकर इसको सॉल्व करना है, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 12, 12 - 3 = 9 नौ उत्तर आएगा 10वें का। 11वें में आपको एक्स का मान 2 रखेगा, 3 × 2 = 6, 6 × 7 = 13 हो जाएंगे, और 2 का भाग जाएगा तो 13/2 उत्तर आएगा, वो भी प्लस का 13/2। तीन एंगल ज्ञात, बिल्कुल ईजी है, ए का मान तो हो जाएगा 60 डिग्री, एक वो रेखीय कोण युग्म लीनियर पैर कर लेना, और सी का मान हो जाएगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 58 डिग्री हो जाएगा। अगले वाला कंस्ट्रक्शन है, ये 8.1 का पहला क्वेश्चन है। अगला वाला है सूत्र है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब 20 × 30 को गुणा करना है आधे से, तो उत्तर आएगा 300 उत्तर आएगा, 300 आंसर आएगा 14 का। साइन का वैल्यू दे रहेगा, कॉस का वैल्यू फाइंड करना है इसका, कॉस का वैल्यू आएगा 4/5, मतलब पहले आपको बेस ज्ञात करना पड़ेगा, बेस दिया हुआ नहीं है। अगले वाले में डिवाइड करना है, बिल्कुल इजी है ये आपका, मतलब सूत्र परावर्तन से करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, माइनस में 23 होगा, सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी होता है। ये अगला वाला भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर आ जाएगा अभी आपके घटा देना आप 1235 घटा कर आप भाग लगा देना, सिंपल है, ज़्यादा 1235 में से 12 गए, इसका उत्तर आएगा 1223/990, शायद ये आना चाहिए 1223/990 उत्तर आएगा इसका, देख लेना कितना आता है। अगला वाला है आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है, पहले में आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरे में लगेंगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आया है आपके। अगला वाला है भाई आपके 2x प्लस, ये सिंपल है, एलिमिनेशन से करना है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। एक्स वाई वाला मैंने काफ़ी पेपर में करा रखा है और टिक लगाया उसी में से, जब सब क्वेश्चन टिक लगाए उसी में से आए हैं, ये भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, प्रूव करना है 180 मैंने करवा रखा है, इसका मतलब ये ट्रायंगल के तीन अंगसम 180 होना चाहिए। अगले वाले दो तो आपके क्वेश्चन में ही दे रखे हैं ऑलरेडी, ए ई बराबर ई सी, डी ई बराबर बी ई, और एक हो जाएगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन करना है, ये 8.5 का क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है, 24 में सबके पीछे एक्स लगा देना और इसका उत्तर आएगा 40, 60 और 80। फैक्टराइज करना है तो आप 25वें का पहला और दूसरा करना ईजी है, और ग्राफ तो बिल्कुल ईजी आया है, एक में वाई को उधर भेजना, एक में एक्स को उधर भेजना, ताकि वाई और एक्स सिंपल नंबर इधर रहे। 27वें में क्या करना है आपको, 35 और 20 का गुणा करके 7 × 5 का भाग देना है, इसका उत्तर आएगा 20 times, क्योंकि 7×5 = 35 से 35 कट जाएगा, तो 20 उत्तर आ जाएगा आपके। लेकिन ये जाना, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, दो 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 जीरो बढ़ेंगे तो 20 का दो जीरो और बढ़ा देंगे तो 2 लाख या 20 हज़ार, देख लेना टाइल्स आएगी, 2 लाख टाइल्स आ जाएगी। अगले वाला भी इजी है, पहले आपको एक्सपेंडिचर लेना है 4 वॉल और फ्लोर का है,
तो एरिया फोर वॉल लगाएंगे और साथ में एक डेप्थ वाला भी जोड़ देंगे और लास्ट में 15 से गुणा करेंगे। इससे अच्छा तो 27वां ईजी है, मतलब 3500 × 2000 / 7 × 5 ऐसे कर लेना, प्रूव करना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया, रूट वाले तो बिल्कुल इजी है, ज़्यादा कोई हार्ड भी नहीं है इसमें, और प्रूव ये भी बिल्कुल इजी है, दोनों ही इजी है। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। और इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं आपको अलग से समझा दूंगा, काफ़ी इजी पेपर था। और हिंदी मीडियम में अगर कोई मुझे को भेजेगा तो मैं भी वो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। CBSE, RBC या अदर कोई बोर्ड क्लास 6 से 12 का कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है साइंस मैथ्स का, तो आप ये जो नंबर दे रखे हैं उस पर आप सेंड कर दीजिए, उसका आंसर मिल जाएगा। या फिर एक डाउट नेट ऐप है, उस ऐप से भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका फोटो खींचिए और इस नंबर पर भेज दीजिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।